हे गाइस, दिस मार्टिन शो मैन, यू वाचिंग साइकिलिंग ऑन नथिंग। और ये भी अब नथिंग में कंसीडर करना गाइस। और आज मैं आया हूँ, मतलब पंजाबी बाग आना आया था मैं किसी काम से, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक सोल शॉट फायरिंग रेंज है पंजाबी बाग क्लब में, तो वहाँ आके एक बार ही शूटिंग की प्रैक्टिस ही कर ले थोड़ी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से एंट्री है और यहाँ एंट्री लेके, ये वैसे तो मेम्बर्स के लिए ये एंट्री, बट अगर आपको वहाँ जाना है प्रैक्टिस करने सोल शॉट फायरिंग रेंज में, तो आप यहाँ से सीधा जाके बेसमेंट में जा सकते हो, तो वो आपको अलाउड कर देंगे एंट्री। वैसे मेनली ये मेम्बर्स के लिए है। फिलहाल आप मेरे साथ अंदर चलो। पैकेज और मैं यहाँ से 472 का पड़ा मेरे को इंक्लूडेड टैक्सेस। और भैया बढ़िया, आप क्या नाम है भैया? रोहित। और भैया बता दो मेरे को, ये 30 शॉट्स का और 40 शॉट्स का भी होता है इसमें? या 40 एंड 20 शॉट एंड 30 शॉट एंड 40 शॉट। 20 शॉट फॉर 472। हाँ जी, इंक्लूडिंग टैक्सेस। यस ठीक है। एंड 30 शॉट है आपको 590। ठीक है। एंड 40 शॉट है 700 पर 8। और गन्स कौन कौन से होती हैं हमारे पास? एयर वेपन्स होते हैं जिसमें एयर पिस्टल। अच्छा, एयर पिस्टल एंड एयर राइफल होती है। तो यहाँ पर हम बेसिकली उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, प्रोफेशनल्स। तो गाइस ये प्रोफेशनली ट्रेन करवाते हैं भाई हमारे रोहित भाई यहाँ पे, बढ़िया तरीके से सोल शॉट फायरिंग रेंज। और 7 डेज ओपन होता है, सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक। और बाकी अभी मैं देखता हूँ, मैंने 20 शॉट्स वाला लिया एक बारी। मेरे को कौन कौन सी वो मिलेगी गन्स? एयर पिस्टल एंड राइफल। एंड राइफल, और दोनों के मैं 10 शॉट्स लेता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ गाइस। ये है हमारी राइफल्स, तो काफी है। ये अराउंड 5 kg। और वो पिस्टल, वो ओलंपिक साइज। तो आपको एम करना है वो जो ब्लैक सर्कल होगा इसके बिल्कुल नीचे, जब आप यहाँ पर एम करोगे तो ये हिट होगा सेंटर। अच्छा, मतलब थोड़ा सा नीचे करेंगे। यस गाइस, देख रहे हो ये बाकी सारे शॉट्स और ये अभी लास्ट शॉट। कहाँ लगा है तो समझ नहीं आ रहा गाइस, अब मान लेना ब्लैक में कहीं लगा होगा। अब ये मान लो, ये मारता हूँ मैं सारे उतार, थोड़ा मूड नहीं है बस इस वजह से। अब देख रहे हो तब भी मैंने कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 शॉट्स में से 6 मैंने यहाँ मार दिए, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा। तो क्या अपनी तारीफ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। गाइस अब हम राइफल ट्राई करने वाले हैं, और थोड़ा डिफरेंट टारगेट पे। जो 2 टारगेट्स गए थे, एक तो आपने ये देख ही लिया मैंने इसका क्या हाल किया, और अभी ये अब इसकी बारी है। और राइफल ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो वैसे आपको भी दिखाई है बट मेरे हाथ में कैसी लगेगी वो देखेंगे। बट रोहित भाई अगर ना होते तो शायद मेरा ये जो स्कोर आया शायद ना आ पाता। तो आप भी गाइस आना यार। खैर अभी फिलहाल मैं राइफल करके फिर आपको मिलता हूँ। 10 शॉट्स होंगे, उसमें से पहले 5 हम स्टैंड के साथ, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। उसके बाद 5 शॉट्स बिना स्टैंड के। विदाउट स्टैंड करने के लिए सेम आपको बटन यहाँ लगाना है। ठीक है। वेपन होल्ड करने के लिए लेफ्ट हैंड को यहाँ से होल्ड करना। ठीक है। इसको बोलते हैं पाम होल्ड। ठीक है, इसको इस तरह से होल्ड करना है जी। एंड सेम चिक प्लेट पर रखनी है एंड एम करना। एक्साइटेड फर्स्ट टाइम, ये तो इतनी बंदूक देख के मेरा मन कर रहा है लेजर से। और सही लगती है गाइस। फर्स्ट 5 शॉट्स मैंने स्टैंड के साथ किए, अब मैं बिना स्टैंड के करूँगा। और इसके लिए टारगेट भी चेंज हो गया है। ये देखिए, ये सबसे पहला पिस्टल का था, और ये जो है ये राइफल का फर्स्ट जो स्टैंड के साथ किया, और ये बिना स्टैंड वाला। तो मैं वो खैर लास्ट में आपको दिखा दूंगा एक बार, और रोहित भाई से मिलवा देंगे, वैसी कोई दिक्कत नहीं है।
सेंटर ये पांचों शॉट्स हैं, चार तो यहीं के और एक ये कोने पे। सबसे पहले जो मैंने लिया था पिस्टल का, उसके बाद ये जो राइफल स्टैंड के साथ लिया था वो, और ये बिना स्टैंड के। देख रहे हो बिना स्टैंड के जो वो आई है एक्यूरेसी आई है, एक ये बाकी चार ये। अच्छा फुली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अच्छा इसका नाम है स्यूस। स्यूस यस। अच्छा स्पेलिंग क्या है इसके? SIUS। अच्छा ठीक है। तो जैसे आप उस पर हिट करते हो तो आपका स्कोर आ जाता है 19 के। अच्छा तो मतलब इस पे पता चल जाता है कि कहाँ लगा है। जैसे हम कार्ड में फायर करते हैं हाँ जी, तो कई बार लगता है कि वो 9 या 8 है, वो पता नहीं चलता। हाँ जी। बट इस मशीन में पूरी एक्यूरेसी आती है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका स्कोर क्या है। अच्छा और ये मतलब ये वो भी नहीं होता, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर वहाँ पे हम फायर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इस पे? हाँ वो फुली सेफ्टी के, उसमें मेटल लगा हुआ है तो उसमें कोई डैमेज का कोई चांस नहीं। अदरवाइज फाइनली हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यहाँ पे सोल शॉट फायरिंग रेंज में जो कि पंजाबी बाग में है। पंजाबी बाग क्लब में है ना ये? Yes. हाँ जी। और बाकी रोहित भाई हमें यहाँ मिल गए, अगर ऐसे मतलब मेंटोर हो कोच हो तो मतलब बंदा सीख ही जाएगा। आप खुद देखिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कितना सही था, ये मेरे को खुद कह रहे आप प्रो बन के जाओगे क्या आज? रोहित भाई आप आओ एक बार थोड़ा, मैंने इनसे थोड़ा मतलब अपना वैसे लोंडो के लेवल पे भी थोड़ी बातचीत करी भाई से, मैंने पूछा कहाँ रहते हो, मतलब थोड़ा मतलब बातचीत बढ़िया हो गई भाई से। अब बोल दो भाई। ओके बाय। ठीक है रोहित भाई से भी अगर जैसे भी होगा तो मैं नंबर डालता हूँ, आप पूछना इनसे जो भी है। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि मुझे और कहाँ जाना चाहिए। बाकी ठीक है गाइस मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। बाय। एक शॉट यहाँ है, वो थोड़ा हिल गया था, नर्वस भी है ना फर्स्ट टाइम है, बट ठीक है। ये देखो गाइस अभी यहाँ से ना आर पार देख सकते हो इनको। ठीक है हम मिलते हैं आपसे मतलब अभी 2 मिनट में।